वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के नागरिकों के प्रति आसक्त होने के बजाय कृपया अपने ध्यान भारतीय नागरिकों पर केंद्रित करें। तो अपना ध्यान भारतीय नागरिकों पर केंद्रित किया जाए, यह हिदायत कपिल सिब्बल की तरफ से बीजेपी को उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। तो ये वो ट्वीट, तो अब कहीं ना कहीं ट्वीट वॉर जो है वो छिड़ गया है और कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान के नागरिकों के प्रति आसक्त होने के बजाय कृपया अपने ध्यान भारतीय नागरिकों पर केंद्रित करें और उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। तो CAA को लेकर लगातार जो विरोध है वो बना हुआ है और इस विरोध के जरिए ये ट्वीट वॉर भी चढ़ गया है। तो याद रखिए कि भारत के लोगों ने हमारे नागरिकों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए आपको चुना था। तो इस तरह का माहौल बन रहा है, अगर देश के लोग परेशान हो रहे हैं तो उनके परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करें बजाय पाकिस्तान के नागरिकों की तरफ आसक्त होने के लिए। तो जिस तरह से CAA कानून आया है उसका विरोध न सिर्फ आमजन बल्कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी करती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करते हुए धर्म के आधार पर देश के लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है। और अब ये कपिल सिब्बल ने ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर बीजेपी मोदी सरकार को हिदायत दी है कि भारतीय नागरिकों के बारे में सोचकर उनकी समस्याओं का निपटारा करें।